नमस्ते, माय नेम इज नीलेश सिन्हा एंड वेलकम टू माय चैनल पिलग्रिमेज वाराणसी। इंडिया टूरिज्म वाराणसी चैप्टर ने आज़ादी के अमृत महोत्सव जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है उसके अंतर्गत यहाँ पर भी एक वॉक का ऑर्गेनाइज किया। इस वॉक का हिस्सा बने यहाँ के लोकल गाइड्स, BHU मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स जो कि टूरिज्म में मैनेजमेंट कर रहे हैं और वहाँ के प्रोफेसर। ये एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव था इंडिया टूरिज्म का, जिसके अंदर उन्होंने इन सब लोगों को एक साथ लाकर एक जगह पर इकट्ठा किया और ये वॉक जो कि स्टार्ट हुई भदैनी क्षेत्र से जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल है वहाँ से, और ये वहाँ से होते हुए लोलार्क कुंड गई, लोलार्क कुंड से होते हुए तुलसी अखाड़ा पहुँची, तुलसी घाट पर गई, तुलसी घाट से ये 80 घाट पर आकर ये वॉक ख़त्म हुई। अच्छा, इस सब जगहों पर, हर जगह पर गाइड्स ने अपने नॉलेज लोगों के साथ शेयर की, उसके अलावा प्रोफेसर जो थे उन्होंने अपनी नॉलेज सब लोगों के साथ शेयर की। ये एक बहुत ही कमाल का इनिशिएटिव था जो कि इंडिया टूरिज्म ने लिया। हम और आप इस वॉक का हिस्सा बनते हैं और आइए हम भी इनके साथ चलते हैं और देखते हैं कि किस किस जगह की क्या क्या खासियत है। सबसे पहला स्टॉपेज लोलार्क कुंड था। लोलार्क कुंड के बारे में ये कहा जाता है कि इस कुंड में अगर कपल एक बार स्नान कर लें और अपने सब वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करें और उसके बाद जब वो वापस जाएंगे तो अगर उनके परिवार में कोई बच्चा नहीं है तो उनको बच्चा अवश्य होगा, ऐसी मान्यता है। और इसके लिए भी कहा गया है कि एक पर्टिकुलर दिन आता है जो कि अगस्त एंड या सितंबर फर्स्ट वीक में पड़ता है, जिसको हम लोलार्क छठ कहते हैं। ये हरतालिका तीज के तीसरे दिन पड़ता है और इसके बारे में जानकारी दी गाइड्स ने और प्रोफेसर्स ने भी। आइए हम जानते हैं ये क्या कह रहे हैं। ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी वीक हो सकती है। करने से पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है, इसका क्या प्रमाण है? अभी जी विदेशों में तो हर चीज को जीन्स और बीटा और थीटा में नापते हैं, लेकिन बनारस में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको अंग्रेजी में हम लोग फेथ कहते हैं, विश्वास की बात करते हैं, और वो विश्वास जब वो हजारों वर्षों से जुड़ता हुआ आता है तो विश्वास एक बड़ा रूप ले लेता है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसी विश्वास को लिंक करते हैं किस स्पिरिट से, महाभारत काल से। आप लोगों को याद होगा वो कहानी जिसमें कुंती को और धृतराष्ट्र की पत्नी को जो बच्चा नहीं होना था, फिर गुरु जी को व्यास जी को बुलाया गया था, उन्होंने मंत्र बताया, किसी ने सूर्य उपासना की, किसी ने चंद्र उपासना। तो वही तो ट्रेडिशन है, फोक ट्रेडिशन सूर्य उपासना का, पुत्र प्राप्त करने के लिए या बच्चे प्राप्त करने के लिए। वो ट्रेडिशन बनारस में इस तरीके से रिप्लिकेट होता है या कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है आप लोग देखते होंगे, ये काइंड ऑफ स्टेप वेल है, तीन तरफ से है सीढ़ी, जो आप गुजरात में आप रानी की बाहु या जो भी आप देखते हैं वो डेकोरेटेड है, वो इस तरीके का है। और एक नेचुरल वाटर स्प्रिंग उस समय कोने में देखेंगे आप, जो समहाउ कनेक्टेड विद गंगा रिवर ऑल्सो, जब फ्लड होता है तो ऊपर आता है नीचे आता है, सारी चीज़ें। तो उस समय की कैसे ट्रेडिशन सूर्य उपासना को आज के दिन में भी उसी तरीके से कैसे मान्यता ली जाती है, और वो मान्यता केवल बनारस तक ना सीमित होकर के पूरे देश और अब तो बाहर से भी लोग आते हैं ये सुन करके कि हाँ भाई हमें नहीं हो रहा है कि हम ऐसा कर सकते हैं। और जैसा कि गुरु जी ने बताया कि एक स्टडी हुआ नासा के साइंटिस्ट के साथ मिल करके कि क्यों भाई उसी दिन पर्टिकुलर लोलार छठ के दिन ही क्यों इतने सारे लोग स्नान कर रहे हैं, तो उन्होंने सोलर रेजेज और सारी चीज़ें नापी और ये पाया कि एक विशेष कोण पर जब आप अंदर जाएंगे तो सूर्य की भी एक सोलर डिस्क स्थापित है। काशी में बहुत सारी यात्राओं का वर्णन है जिसमें एक सूर्य यात्रा या षोडश आदित्य यात्रा का वर्णन है, उस आदित्य मतलब सूर्य का एक स्थान लोलार कुंड है, ठीक है, तो लोलार कुंड का नाम है। तो उस पर्टिकुलर लोलार छठ वाले दिन जो सूर्य की रेस पास होती है वो माँ गंगा से होते हुए सूर्य को लेते हुए क्रॉस करती है, तो हो सकता है उनका ये निष्कर्ष था कि उस पर्टिकुलर रेस के कारण जो गंगा में एनर्जी मिलती है, जो सूर्य की एनर्जी मिलती है, और वो स्नान करने से हो सकता है हमारे में कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस होते हों जिससे इसका रिजल्ट इस रूप में प्राप्त हो सकता है। तो अगर आप इस तरीके का भी कुछ साइंटिफिक पढ़ करके कोई चीज़ एक्सप्लेनेशन देते हैं तो हो सकता है जो सामने
सुनने वाला उसको थोड़ा सा और बेहतर व्यू मिल सके। तो ये हम लोग का जिम्मेदारी है कि केवल हिस्ट्री मैथोलॉजी स्टोरी ना पढ़ करके थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें कि इसको साइंस से भी कैसे जोड़ा जा सकता है, इसका एक प्रयास। तो लुलार कुंड से हम आगे चले और हम आगे रास्ते में चलते हुए रास्ते में जो मंदिर आए उसके बारे में कुछ गाइड्स ने एक्सप्लेनेशन दिया। इस कहानी का लिंक जो कि ये एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका मैंने, अगर आप आई में देखें तो वहाँ पर मैंने इसका लिंक डाला हुआ है, तो आप इस मेरे इस वीडियो को भी देख सकते हैं और इस कहानी को पूरे अच्छे से जान सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े तो हमारे एक बहुत सीनियर गाइड प्रदीप वर्मा जी ने भी ये जो वॉल के ऊपर या घरों के बाहर जो पेंटिंग होती है इसके बारे में एक्सप्लेन किया कि ये कैसे होते हैं। गलियों में भ्रमण करते हैं तो उनके लिए बहुत आकर्षण का केंद्र होता है, ये जगह जगह ये दिखाई पड़ता है और ये पूछते हैं कि क्या है। तो जैसा जानते हैं जब किसी के घर कोई भी विवाह का कार्यक्रम संपन्न होता है उस समय हम घर को रंगाई पुताई व्हाइट वॉश करते हैं, तो जो हम लोगों का अरेंज मैरिज है उसमें सभी का रोल होता है। जैसे कहार है जो पानी देता था, लाकर जो है देता था पानी, उस समय तो पानी बहुत आसानी से मिलता नहीं था तो पानी को ढोने का काम कहार करता था या डोली ढोने का काम कहार करता था। इसी तरह से नाई का काम होता था, ब्राह्मण का कार्य होता था। तो एक जो जाति कुम्हार उसे हम बुलाते थे और वह रंग पेंट के बाद इसको जो है पेंट करता था। अब आप यहाँ पर देख लें, जैसे स्वास्तिक है जो हम लोगों का पवित्र चिन्ह है या कहीं ओम लिखा हुआ मिलेगा, और ये टीचर दिखाई पड़ेगा, बनाना केला दिखाई पड़ेगा, इस तरह से सारी मछली, ये जो भी चीज़ें हैं नारियल, ये जो है शादी में जो है शुभ लक्षण है, इसलिए इसको इनकी एक्सप्लेनेशन में एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि जब कभी आप राजस्थान जाएँ तो राजस्थान में भी घरों के बाहर दीवारों के ऊपर आप जब चलेंगे तो देखेंगे इस तरीके की कलाकारी या पेंटिंग की जाती है। उसका एक कहानी ये कही जाती है कि जब आपके घर में शादी होती है, ब्याह होता है, तो ये एक तरीके का इनविटेशन कार्ड है जिसको कि आप देख करके समझ सकते हैं कि इस घर में फला दिन को शादी है, इनके बेटे की शादी है या इनकी बेटी की शादी है और हम सबको आना है। और ये है तुलसी अखाड़ा जिसकी स्थापना स्वयं तुलसीदास ने की थी और कहा जाता है कि 400 साल से भी ज़्यादा पुराना है। बनारस में अखाड़ों का एक ट्रेडिशन रहा है और उसमें तुलसी अखाड़ा काफ़ी उच्च स्थान रखता है। शुरुआत में यहाँ पर सिर्फ लड़के ही प्रैक्टिस किया करते थे, पर अभी पिछले कुछ सालों से यहाँ पर लड़कियों को भी अलाउ कर दिया गया है, अब वे भी यहाँ प्रैक्टिस करने आती हैं। इसके बारे में वैसे तो ये गुरुजी यहाँ के उस्ताद जी हैं, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, पर इनकी आवाज़ थोड़ी धीमी रह गई है तो मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने क्या क्या बात इसके बारे में बता रहे हैं। इस अखाड़े में जिस मिट्टी के ऊपर पहलवान कुश्ती की प्रैक्टिस करते हैं या कुश्ती करते हैं उसका भी एक खासियत है। पीली मिट्टी ढूंढ के लाई जाती है, उसके अलावा उसमें जो बालू होता है उसको छान के अलग किया जाता है, उस पर सरसों का तेल मिलाया जाता है, हल्दी मिलाई जाती है, दही जो कि खट्टी हो चुकी है उसको मिलाया जाता है, उसके बाद फिटकरी उसको पीस के मिलाया जाता है और बहुत सारा नीम का पत्ता कूट करके भी मिलाया जाता है। तो इस तरीके से ये भी कहा जाता है कि जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे और ये जो मिट्टी अपने शरीर पर लपेट लेंगे तो इससे आपको किसी भी साबुन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ज़्यादा आपके लिए लाभदायी होगी। यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए तुलसी घाट पर आप पहुँचे हैं। तुलसी घाट पर आप नज़ारा देख सकते हैं आसपास, कितना सुंदर और विहंगम दृश्य है सुबह सुबह का। लोग यहाँ पर भजन गा रहे हैं और श्री अशोक वर्मा जी लोगों से कुछ सवाल, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कुछ सवाल भी पूछ रहे हैं। जीवन में जब भी कुछ मौका मिले हमको सबको सीखना चाहिए। इन तीनों बच्चों से मैं पूछ सकता हूँ कि एक स्थान पर 100,000 आदमी आते हैं क्यों?
साल के एक दिन यहाँ 1,00,000 आते हैं। चलिए हम बता देते हैं, ज़्यादा पूछेंगे तो बच्चे भागते हैं। बनारस में अब तो लाख क्या, 2,00,000 लक्खी मेला है, जैसे भरत मिलाप मेला है नाटी मिली का, जैसे रामनगर की दशमी है, जैसे हमारे चेतगंज की नथैया है, वैसे ही नाग नथैया का कार्यक्रम है। तो भगवान कृष्ण की लीला में वो प्रसंग तो आप जानते हैं, कालिया हाँ कैसे उन्होंने उनको कंट्रोल किया, तो कहानी जानते हो, तो ज़्यादा नहीं जाना है। तो यहाँ पर वहाँ लीला का कार्यक्रम होता है, यही पर यहाँ से लेकर वहाँ तक और कृष्ण बनते हैं, उनके सखा बनते हैं, और बहुत ही सुंदर कदम का कि बड़ी मोटी दाल लाई जाती है, यहाँ गाड़ा जाता है, और काशी नरेश के पुत्र आनंद नारायण जी आते हैं, सबको पुरस्कार देते हैं, इन्हीं बोलते हैं सोने का सिक्का उठा देते हैं, और यहाँ बहुत रामलीला 1,00,000 से ज़्यादा लोग आते हैं। तो कब होता है ये राज, यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम लोग अब 80 घाट पहुँच चुके हैं। 80 घाट पर एक और फैंटास्टिक इनिशिएटिव ये लिया गया कि जितने स्टूडेंट्स तो मैनेजमेंट कर रहे हैं टूरिज्म के लिए, टूरिज्म में उनको कहा गया कि आप अपने नॉलेज बनारस के बारे में क्या जानते हैं उसको शेयर कीजिए। ये एक कमाल का इनिशिएटिव था इंडिया टूरिज्म का, जिसमें बहुत सा ज्ञानवर्धन हुआ, न सिर्फ बच्चों का जिन्होंने इसमें भाग लिया, बल्कि जो भी पार्टिसिपेंट थे, चाहे वो गाइड हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो इंडिया टूरिज्म डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हो, या जो भी लोग साथ आए, उन सब ने काफ़ी कुछ सीखा। इसको मैं एक शानदार कॉन्सेप्ट इसलिए भी कहूँगा कि इसमें देखो अपना देश जो एक इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का, वो भी सामने आया। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। मैं आगे भी आपके लिए इस तरीके के वीडियो लेके आता रहूँगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।